हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। जैसा कि मैंने आपको बोला था, नेक्स्ट टॉपिक होगा कैवर्नस साइनस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैवर्नस साइनस के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेड एंड नेक के अंदर। तो कैवर्नस साइनस की थोड़ी सी कैवर्नस साइनस को स्टार्ट करने से थोड़ा सा मैं इसके पीछे की हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कैवर्नस साइनस है क्या चीज़। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं पहले ड्यूरल वेनस साइनसिस। तो नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, साइनस मतलब साइनस है, मतलब कोई भी सुराग है, ये मान के चलो कोई भी होल है कहीं पे। वेनस मतलब वहां पे वेनस ब्लड भरा हुआ है, साइनस है जहां पे वेनस ब्लड भरा हुआ है। और वो साइनस कहाँ है? ड्यूरल मतलब ड्यूरामेटर के अंदर। ड्यूरामेटर की दो लेयर्स होती हैं, एक एंडोस्टियल लेयर और एक होती है मेनिंजियल लेयर। ये देखो जो हमारी ड्यूरामेटर होती है उसकी दो लेयर होती है, मान लो ये हो गई, ये होगी हमारी मेनिंजियल लेयर, और नीचे जो एक और लेयर होती है जो होती है हमारी ई, मतलब यहाँ पे ई है, ई मतलब एंडोस्टियल लेयर। तो इन दोनों लेयर के बीच में कई क्या होता है, वेनस ब्लड जो है वो यहाँ पे भरने लग जाता है। मतलब साइनस होता है जहाँ पे वेनस ब्लड आके ड्रेन होता है, बहुत सारी जगहों से यहाँ पे आके ड्रेन होता है, और ये कनेक्टेड होती है क्रेनियम के बाहर के जो वेन्स है उनसे कनेक्टेड होती है। किसके थ्रू? एमिशरी वेन के थ्रू। तो ये जो बना है दोनों लेयर्स के बीच में, इसे हम बोलते हैं वेनस साइनस, क्योंकि यहाँ पे वेनस ब्लड है और साइनस है क्योंकि गैप है एक तरह से दो लेयर के बीच में। ड्यूरामेटर की दो लेयर के बीच में है, एक मेनिंजियल लेयर और एक एंडोस्टियल लेयर है, उन दोनों के बीच में जो स्पेस है जहां पे वेनस ब्लड भरा है, इसलिए इसको बोलते हैं ड्यूरल वेनस साइनसिस। तो ड्यूरल वेनस साइनसिस जो है वो टोटल 23 होते हैं। एक बार मैं सबका नाम आपको बता रहा हूँ, टोटल 23 इन नंबर होते हैं, उनमें से 8 पेयर्ड होते हैं और 7 अनपेयर्ड होते हैं। 8 पेयर्ड मतलब 8 × 16 और 7 23 टोटल हो गए। तो जो पेयर्ड है उसके अंदर आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, वो है कैवर्नस साइनस। उसके अलावा बात करें तो एक होता है सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, एक होता है इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, एक होता है ट्रांसवर्स साइनस, एक सिग्मोइड साइनस, एक स्फिनोपेराइटल, एक पेट्रोस्क्वेमस और एक मिडल मेनिंजियल। देखो मैं आपको हिदायत दूंगा कि आप ये जो है ना, पहले ये ड्यूरल वेनस कैवर्नस साइनस पढ़ने से पहले इन सब के नाम एक बार याद कर लेना, कौन सा पेयर्ड है कौन सा अनपेयर्ड है, आपको इजी रहेगा क्योंकि कैवर्नस साइनस वाले टॉपिक में ये नाम आने वाले हैं, तो पहले ही बोल रहा हूँ मैं। तो मैं आपको देखो ये डायग्राम है हमारा, ये सुपीरियर व्यू है हमारे, कट सेक्शन एक तरह से लिया हुआ हमने, और सुपीरियर व्यू देख रहे हैं हमारे ब्रेन का एक तरह से आप बोल सकते हो, या फिर क्रेनियम का बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है आगे की तरफ, तो ये हमारा कैवर्नस साइनस प्रेजेंट है, ये है हमारा कैवर्नस साइनस। साइड में ये क्या प्रेजेंट है? सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, दोनों तरफ है। तो मैंने देखो पेयर्ड में लिखा हुआ है सुपीरियर पेट्रोसल, क्यों? क्योंकि देखो दोनों तरफ है सुपीरियर पेट्रोसल। ये जो आगे जाके बनता है ये है ट्रांसवर्स साइनस, ट्रांसवर्स साइनस भी दोनों तरफ है, तो ये पेयर्ड में लिखा है मैंने। उसके अलावा पीछे देखो ओसिपिटल साइनस है, ओसिपिटल साइनस सिंगल है, तो इसको मैंने अनपेयर्ड में लिखा है। देखो ओसिपिटल साइनस अनपेयर्ड है, तो इस तरह से आप याद करना इनको। उसके अलावा बेसिलर प्लेक्सस ऑफ वेन्स, ये भी सिंगल आपको दिख रहा है बीच में ये, तो बेसिलर प्लेक्सस ऑफ वेन्स भी मैंने अनपेयर्ड में लिखा है। और मैं आपको बताऊं तो ये देखो आगे की तरफ ये दिख रहा है आपको, दोनों कैवर्नस साइनस को आगे से जोड़ रहा है एक, और ये ब्लू कलर में देखना, ब्लू कलर वाले साइनसिस हैं आगे, ब्लू कलर क्यों? क्योंकि वेनस ब्लड भरा हुआ है। दोनों कैवर्नस साइनस आगे जुड़े हुए हैं किसकी मदद से? एंटीरियर इंटर कैवर्नस साइनस। और पीछे की तरफ ये जुड़े हुए हैं किसकी मदद से? पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस। तो दोनों एक एक होते हैं, तो एंटीरियर इंटर कैवर्नस और पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस भी अनपेयर्ड में आ गए। उसके अलावा इसमें मैंने सुपीरियर सेजाइटल लिखा है, इंफीरियर सेजाइटल लिखा है, और एक लिखा है स्ट्रेट साइनस जो इसमें नहीं दिखेगा। जो इसमें एक और दिखेगा वो क्या है, ये देखो ये वाला, ये है हमारा सिग्मोइड साइनस, दोनों तरफ है सिग्मोइड साइनस। तो सिग्मोइड साइनस कहाँ लिखा हुआ है? हमने पेयर्ड में लिखा हुआ है। उसके अलावा ये जो देखोगे आप, ये ड्रेन कर रहा है इसके अंदर, हमारे कैवर्नस साइनस में ड्रेन करता हुआ दिख रहा है, ये एरो दिख रही है, देखो ये ब्लड को ड्रेन कर रहा है वेनस ब्लड को कैवर्नस साइनस में। कौन सा साइनस है ये? स्फिनोपेराइटल, दोनों तरफ है, ये भी स्फिनोपेराइटल साइनस है, तो स्फिनोपेराइटल भी हमारे पेयर्ड में है। उसके अलावा एक है पेट्रोस्क्वेमस और एक मिडल मेनिंजियल साइनस। तो ये सब नाम एक बार आप याद कर लेना, उसके बाद आप आगे बढ़ना कैवर्नस साइनस पे। तो अब इन नाम को पढ़ने के बाद हम चलते हैं कैवर्नस साइनस के ऊपर। कैवर्नस साइनस का मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, पहले कुछ इस तरह का दिखता है हमारा कैवर्नस साइनस, कितना सुंदर होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, सबसे मेन बात है कि कहाँ प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट होता है हमारी स्फिनोइड बोन के ऊपर। देखो पहले बता देता हूँ, ये कोरोनल सेक्शन है, तो ऊपर सुपीरियर दिखेगा, नीचे इन्फीरियर दिखेगा, ठीक है? सुपीरियर इन्फीरियर दिख रहा है आपको ये, ना कि एंटीरियर पोस्टीरियर।
तो ये जो स्फीनोइड बोन है इसके ऊपर प्रेजेंट है ये क्या, हाइपोफाइसिस सेरिब्री, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और इसके लेटरली क्या प्रेजेंट है, ये है हमारा ब्लू कलर में क्या, कैवर्नस साइनस। कहाँ प्रेजेंट है, मैंने बोला ना ये कैवर्नस साइनस क्या है, एक ड्यूरल वेनस साइनस है, पेयर्ड है, तो इधर भी होगा और इस तरफ भी होगा, दोनों तरफ होगा पहली बात। तो दूसरी बात मैंने बोली ड्यूरामेटर की दो लेयर्स के बीच में होता है, तो ये देखो ये डार्क ग्रीन कलर में जो दिख रही है आपको ये है एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, और ऊपर लाइट ग्रीन कलर में जो आपको दिख रही है वो है मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। और इन दोनों लेयर डार्क ग्रीन कलर और लाइट ग्रीन कलर के बीच में प्रेजेंट है हमारा कैवर्नस साइनस, तो इसीलिए मैंने बोला कि ये ड्यूरल वेनस साइनस है। तो इतना हमने देखा अभी, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि अब देखो ये कैवर्नस साइनस है, ये उसका सुपीरियर है, ये इंफीरियर है, ये लेटरल, ये वाला मीडियल साइड, ठीक है, इतना तो कोरोनल सेक्शन में यही चीजें होती हैं। तो ऊपर की तरफ क्या होगा, छत तो होगी कैवर्नस साइनस की, तो कैवर्नस साइनस की रूफ और ये वाली कौन सी वाली होगी, लेटरल वॉल। रूफ और लेटरल वॉल कौन बना रहा है, लाइट ग्रीन कलर, मतलब मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर क्या बना रही है, रूफ और लेटरल वॉल। जबकि डार्क ग्रीन वाली क्या बना रही है, बेस ऑफ द कैवर्नस साइनस एंड मीडियल बाउंड्री या मीडियल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस। तो बेस और मीडियल वॉल कौन बना रहा है, हमारी एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। तो इतनी चीज हमने पढ़ ली। एक और बात, इसकी लेंथ होती है 2 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ होती है 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ 2 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 1 सेंटीमीटर। तो मैंने इतना आपको बता दिया, तो स्टार्ट करते हैं। कैवर्नस साइनस क्या है, एक लार्ज वेनस स्पेस है। कहाँ पे, आपने पढ़ा होगा क्रेनियल फोसा तीन होते हैं, एक एंटीरियर क्रेनियल फोसा, एक मिडल क्रेनियल फोसा और एक पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो हमारा कैवर्नस साइनस मिडल क्रेनियल फोसा में होता है। स्फिनोइड बोन मिडल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होती है, एंटीरियर में भी होता है उसका कुछ पार्ट, लेकिन मिडल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट है एक लार्ज वेनस स्पेस जिसे हम बोलते हैं कैवर्नस साइनस। स्फिनोइड बोन के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, एक स्फिनोइड बोन के इस तरफ और एक स्फिनोइड बोन के इस तरफ, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों तरफ प्रेजेंट होता है स्फिनोइड बोन के, क्योंकि कैवर्नस साइनस क्या है, पेयर्ड है, ठीक है, पेयर्ड है तो दोनों तरफ होगा। तो स्फीनोइड बोन के जो सेला टर्सिका वाला पार्ट है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वही चीज हमने यहां दिखाई थी, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अंदर की बात करें, कैवर्नस साइनस को कैवर्नस क्यों वर्ड यहां पे लिखा है, क्योंकि इसका जो इंटीरियर है वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे स्पेसिस या कैवर्न्स बोलते हैं उसमें डिवाइडेड होता है ट्रेबेक्यूली की मदद से। तो बहुत सारे कैवर्न्स में डिवाइडेड है, मतलब बहुत सारे स्पेसिस में डिवाइड है, इसलिए इसको बोलते हैं कैवर्नस साइनस। बहुत एक बड़ा स्पेस बन रहा है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कैवर्न्स या स्पेसिस प्रेजेंट है। ये मैंने बता दिया, फ्लोर और मीडियल वॉल कौन बना रहा है, एंडोस्टियल ड्यूरामेटर, और रूफ और लेटरल वॉल बना रहा है मेनिंजियल ड्यूरामेटर, ठीक है। लेंथ मैंने बता दी 2 सेंटीमीटर, विड्थ मैंने बता दिया 1 सेंटीमीटर। अब जो है इसके जो रिलेशंस हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी चलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, इसकी लेटरल वॉल में क्या आता है। देखो मैं यहाँ पे आपको चार इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, इसकी लेटरल वॉल में क्या आता है, इसकी मीडियल वॉल में क्या आता है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें ड्रेन करती हैं, और कैवर्नस साइनस खुद किस किस चीज में ड्रेन करता है। तो स्ट्रक्चर्स विद इन द लेटरल वॉल, स्ट्रक्चर्स इन द मीडियल वॉल, उसके अलावा हम पढ़ेंगे जो ड्रेनिंग इसके चैनल्स हैं या फिर जिसमें ये जो चीज इसमें ड्रेन करती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेटरल वॉल ऑफ द साइनस के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं। तो सब कुछ हम इस डायग्राम से समझेंगे। देखो ये हमारा कैवर्नस साइनस है, ब्लू कलर में जो भी है ये कैवर्नस साइनस है, ये उसकी मीडियल वॉल है, ये उसकी लेटरल वॉल है। तो लेटरल वॉल में आपको चार येलो चीजें दिख रही होंगी, चार ऊपर से नीचे जाएंगे, चार येलो चीज है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 3 4 5 5। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे, इसको हम याद करेंगे, इसका मैंने एक ट्रिक बना रखी है याद करने की, इसको हम याद करेंगे 3 4 5 का 1 5 का 2। तो 3 4 5 का 1 5 का 2, इसका क्या मतलब हुआ, 3 का मतलब है सबसे पहली जो नर्व, जो आपको नर्व दिख रही है येलो कलर है तो नर्व होगी, तो सबसे पहली नर्व जो है वो है हमारी ओक्यूलोमोटर नर्व, जो कि है थर्ड नंबर की क्रेनियल नर्व। तो 3 से क्या याद रखेंगे, ओक्यूलोमोटर नर्व, 4 से क्या याद रखेंगे हम, ट्रोक्लियर नर्व, 5 का 1 मतलब, 5 कौन सी, हमारी ट्राइजेमाइनल, ट्राइजेमाइनल की 3 होती है, ओप्थेल्मिक मैक्सिलरी मैंडिबुलर, ठीक है, 3 ब्रांचेज होती है ना, तो उसमें से 5 का 1 का मतलब है ओप्थेल्मिक नर्व, ठीक है, और 5 का 2 मतलब है मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। तो ये चार चीजें इसकी लेटरल वॉल में आ रही हैं। और बताऊं थोड़ा और लेटरली चले तो ये देखो बाहर की तरफ है, मतलब मेनिंजियल लेयर और एंडोस्टियल लेयर से भी बाहर है कौन सी, मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व क्या है, 5 का 3, 5 का 3 मतलब ट्राइजेमाइनल की थर्ड ब्रांच, ट्राइजेमाइनल की 2 ब्रांचेस तो लेटरल वॉल में आ गई, और लेटरल जाने पे हमें मैंडिबुलर नर्व भी मिल गई। तो स्ट्रक्चर्स विद इन द लेटरल वॉल में क्या क्या आया,
सबसे पहला आया क्या हमारी थर्ड नंबर की क्रेनियल नर्व, ओक्यूलोमोटर नर्व, एक आई हमारी ट्रोक्लियर नर्व, एक आई हमारी ओप्थेल्मिक नर्व और एक आई हमारी मैक्सिलरी नर्व। ऊपर से नीचे सीक्वेंस है ये, अबव डाउनवर्ड ये सीक्वेंस है, इसी तरह आपको याद रखना है। और ट्राइजमाइनल गैंग्लियन भी एक चीज आती है, तो टोटल पांच चीजें आती है, ट्राइजमाइनल नर्व का गैंग्लियन भी आता है। तो सबसे पहले बात करें ओक्यूलोमोटर नर्व की, तो ओक्यूलोमोटर नर्व आगे जाके जो है साइनस के एंटीरियर पार्ट में जाके दो डिविजन्स में बट जाता है, एक एंटीरियर डिविजन और एक पोस्टीरियर डिविजन। बटने के बाद क्या होता है, दो डिविजन्स इसके हो गए तब ये क्या करता है, साइनस को अब छोड़ने का वक्त आ गया, इसका एंटीरियर पार्ट में पहुंच गया, छोड़ने का वक्त आ गया है, तो ये छोड़ता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करते हुए। याद रखना आगे की तरफ जा रहा है, एंटीरियर पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो आगे की तरफ हमारे ऑर्बिट होते हैं, तो साइनस को लीव करता है बाय पासिंग थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, इसी तरह ट्रोक्लियर नर्व भी ऑर्बिट में एंटर करती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू। तो दोनों में सेम चीज है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ये एग्जिट कर जाते हैं कैवर्नस साइनस से। ओप्थेल्मिक नर्व की बात करें तो ये डिवाइड करती है तीन नर्व्स के अंदर, लैक्राइमल, फ्रंटल और नेजोसिलियरी। तो लैक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व और नेजोसिलियरी नर्व ये किसकी ब्रांचेज हैं, ये हमारी ओप्थेल्मिक नर्व की तीन ब्रांचेज हैं। ये ब्रांचेज भी एंटीरियर पार्ट ऑफ साइनस में जाके होती हैं और उसके बाद ये एग्जिट कर जाता है साइनस, सेम यही आएगा यहाँ पे भी, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। नेक्स्ट बात करें मैक्सिलरी नर्व की, मैक्सिलरी नर्व जो है इसका अलग आ जाता है। मैक्सिलरी नर्व साइनस को एग्जिट करता है किसके थ्रू पास करके, फोरामेन रोटेंडम के थ्रू। तो ये फोरामेन एक होता है, फोरामेन रोटेंडम होता है, बेस ऑफ द स्कल में बहुत सारे फोरामेन आप पढ़ेंगे, तो उनमें से एक है फोरामेन रोटेंडम, उसके थ्रू ये एग्जिट करता है साइनस से। तो मेन तो आपको ये याद रखना है, ये चीजें तो आपको याद न रहे तो भी चलेगा, लेकिन ये जरूर याद होनी चाहिए कि क्या क्या मेन चीज है इसके अंदर। तो ये सब तो हो गया लेटरल वॉल का, अब चलते हैं इसकी मीडियल एस्पेक्ट से। अब देखो लेटरल वॉल से तो चीजें लेटरल वॉल के बाहर की तरफ थी थोड़ा, ठीक है, लेटरल वॉल के थ्रू पास हो रही थी, लेकिन मीडियल, मैंने उल्टा बोल दिया, लेटरल वॉल के थ्रू ये चीजें क्या हो रही थी, विद इन द लेटरल वॉल प्रेजेंट थी, लेकिन मीडियल वॉल में अलग होता है, मीडियल वॉल के अंदर से जाती हैं चीजें, पासिंग थ्रू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ साइनस। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ साइनस के उससे कौन कौन सी चीजें जाती है, तो दो चीजें आपको दिखेंगी, ये देखो ध्यान से देखोगे ना आप, तो साइनस के मीडियली एक तो ये आर्टरी प्रेजेंट है, ICA मतलब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और एक साइड में छोटा सा येलो डॉट है, ये क्या है, हमारी एब्डुसेंस नर्व। तो ये दो चीजें जाती हैं इसके मीडियल एस्पेक्ट से, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक एब्डुसेंट नर्व। ठीक है, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है उसके साथ कुछ वेनस और सिंपैथेटिक प्लेक्सस भी होता है उसके साथ, ठीक है, और जो एब्डुसेंट नर्व है वो थोड़ी इन्फेरोलेटरल होती है आईसीए से। ये चीजें याद रही तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेन होना चाहिए, नाम जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें जा रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज या इनकमिंग चैनल्स है, मतलब कौन कौन सी वेन्स या कौन कौन सी चीजें अपना ब्लड जो है वेनस ब्लड इन साइनसिस मतलब इस कैवर्नस साइनस के अंदर कौन कौन सी चीजें ड्रेन करती है अपना ब्लड। भाई अलग अलग जो वेन्स हैं वो देखो अलग अलग वेन में ड्रेन करती है, इसी तरह अलग अलग वेन्स यहाँ पे इस साइनस में भी ड्रेन करेंगी कैवर्नस साइनस में, तो तीन जगह से आ सकता है। देखो सीधी बात है, कैवर्नस साइनस के आसपास क्या क्या चीजें हैं, एक ऑर्बिट है, एक हमारा ब्रेन प्रेजेंट है और तीसरा हमारा मेनिंजेस प्रेजेंट है, तीन ही तो चीजें प्रेजेंट है हमारे कैवर्नस साइनस के आसपास। फिर से देखो, ऑर्बिट है आगे की तरफ, ब्रेन तो चारों तरफ फैला हुआ है, मेनिंजेस ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। तो इस चीज से याद रखो कि तीन जगह से इनकमिंग चैनल्स आएंगे, एक होगा ऑर्बिट, एक होगा ब्रेन और एक होंगी मेनिंजेस। सबसे पहले बात करेंगे ऑर्बिट की, देखो मैं इसका डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा, पहले मैं याद करने का एक तरीका बता रहा हूं जो मैंने यूज किया था याद करने में। ऑर्बिट से दिमाग लगाना, ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होंगी, हमारी आईज प्रेजेंट होंगी, आईज को कौन सी वेन या कहां वहां पे कौन सा नाम आता है आई के आसपास, एक तो जाती है ओप्थेल्मिक वेन, तो कौन सी ओप्थेल्मिक वेन, एक सुपीरियर ओप्थेल्मिक वेन और एक इंफीरियर ओप्थेल्मिक वेन। देखो आप नर्व्स पढ़ोगे तो ओप्थेल्मिक नर्व पढ़ोगे, जाती है ऑर्बिट के अंदर, तो उसी तरह से वेन्स में भी आप उसी तरीके से याद रखो कि ओप्थेल्मिक वर्ड ऑर्बिट के मतलब आंखों के लिए यूज किया गया है, सुपीरियर ओप्थेल्मिक वेन और इन्फीरियर ओप्थेल्मिक वेन ये आईज वाले मतलब ऑर्बिट से ब्लड को लेके आएंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और कहां ड्रेन कर देंगी कैवर्नस साइनस में। एक है कौन सी, सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना, तो ये चीजें ऑर्बिट से आ रही है, तो तीन ऑर्बिट से वेन्स आएंगी और ड्रेन करेंगी किसके अंदर, कैवर्नस साइनस में, एक सुपीरियर ओप्थेल्मिक वेन, एक इन्फीरियर ओप्थेल्मिक वेन और एक सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना।
अब नेक्स्ट बात करें ब्रेन से, तो ब्रेन से आपको दो ही याद करनी है, एक सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन, सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन और इंफीरियर सेरिब्रल वेन्स। इंफीरियर सेरिब्रल वेन्स कहाँ से आ रही है, नीचे कौन सी लोब है ब्रेन में, टेम्पोरल लोब होती है ना नीचे की तरफ, तो टेम्पोरल लोब से आ रही है इंफीरियर सेरिब्रल वेन्स और एक होती है सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन, तो ये याद रखनी है। अभी याद कर लेंगे हम डायग्राम से, अभी बस मैं बता रहा हूँ तरीका। नेक्स्ट बात करें मेनिंजिस का। अब देखो मैंने आपको पहले ही बोला था ना, जब मैंने शुरू में ड्यूरल वेनस साइनसिस के सब साइनसिस के नाम बता रहा था मैं, तो उसी का एक नाम है स्फिनोपेराइटल साइनस। ये देखो स्फिनोपेराइटल साइनस हमने पढ़ा था पेयर्ड के अंदर, ये देखो ये रहा स्फिनोपेराइटल साइनस, तो वही स्फिनोपेराइटल साइनस जो है मेनिंजिस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है और ड्रेन करता है हमारे कैवर्नस साइनस के अंदर। और क्या चीज ड्रेन करती है, फ्रंटल ट्रंक ऑफ द मिडल मेनिंजियल वेन, मिडल मेनिंजियल वेन का फ्रंटल ट्रंक। देखो इसमें वर्ड क्या आ रहा है, मेनिंजिस, मेनिंजिस से लेके आ रहा है, नाम में भी मेनिंजियल आ रहा है, तो इस तरह याद रख लो मिडल मेनिंजियल वेन जो है वो भी मेनिंजिस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी और ड्रेन करेगी हमारे कैवर्नस साइनस में। तो ये सब चीजें जो हैं ये ऑर्बिट से, ब्रेन से और मेनिंजिस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके ड्रेन कर देंगी, मतलब डाल देंगी कैवर्नस साइनस के अंदर। अब इस डायग्राम में देखना आप, देखो ये मैंने बताया था ना, ये कैवर्नस साइनस है दोनों तरफ, ठीक है, ये देखो दोनों तरफ ये कैवर्नस साइनस है जो आपको दिख रहा है। अब ये क्या था, ये देखो स्फिनोपेराइटल साइनस है ना, ये देखो एरो दिखा रखी है मैंने, ये ड्रेन कर रहा है किसके अंदर, हमारे कैवर्नस साइनस में। कहां से लेके आ रहा है स्फिनोपेराइटल साइनस, कहां से लेके आ रहा था, मेनिंजिस से, तो मेनिंजिस से ब्लड लेके आ रहा है और ड्रेन कर रहा है कैवर्नस साइनस में। और क्या लेके आ रही थी, मिडल मेनिंजियल वेन, ये देखो फ्रंटल ट्रंक ऑफ मिडल मेनिंजियल वेन, ये रहा, ये देखो ये ड्रेन कर रहा है कैवर्नस साइनस में, कहां से लेके आ रहा है, मेनिंजिस से। ब्रेन से क्या चीज लेके आ रही थी, दो चीजें। अब देखो इसके अंदर देखो, ध्यान से देखना, कैवर्नस साइनस के अंदर ये पांच छोटे छोटे डॉट्स मैंने दिखा रखे हैं, एक बड़ा डॉट है, तो जो छोटे छोटे चार डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, इंफीरियर सेरिब्रल वेन्स ओपन हो रही हैं और ड्रेन कर रही हैं कैवर्नस साइनस में। इंफीरियर सेरिब्रल वेन, सेरिब्रल कहां से आएगा, ब्रेन से, तो ये कहां से लेके आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्रेन से ला रही है और ड्रेन कर रही है कैवर्नस साइनस में। और जो बीच में मोटे वाली जो थी एक सर्कल, ये है हमारा सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन, ये भी कहां से लेके आ रहा है, ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है और ड्रेन कर रहा है कैवर्नस साइनस के अंदर। अब बच गया कौन सा, जो शुरू वाला पार्ट था, देखो ये तो मैंने आपको दोनों दिखा दिए ना ड्रेन करते हुए, अब ऑर्बिट बच गया, ऑर्बिट को भी दिखाता हूं, रुको। अब इस डायग्राम पे फोकस करो, जो अभी मैंने दिखाया था वो सुपीरियर व्यू था, ठीक है, सेक्शन काट के, हॉरिजॉन्टल सेक्शन काट के सुपीरियर व्यू देख रहे थे हम। अब ये है हमारा साइड व्यू, ठीक है, साइड व्यू देख रहे हैं, तो ये देखो ये जो बीच में प्रेजेंट है ये है हमारा कैवर्नस साइनस। अब आप ध्यान से देखना, ये ऊपर से आ रही है सुपरा ऑर्बिटल वेन, ये आ रही है सुपरा ट्रोक्लियर वेन, दोनों मिलके क्या बनाती हैं, फेशियल वेन, दोनों ने मिलके क्या बनाया, फेशियल वेन। ये क्या है, ये देखो ये है हमारी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, देखो ये वाली है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, और ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये है हमारी सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना, और नीचे चलेंगे तो ये है इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तीनों की तीनों, ये वाली और ये वाली, तीनों किसमें ड्रेन कर रही हैं, कैवर्नस साइनस के अंदर। तो ये जो मैंने आपको तीन बताई थी ये तीनों भी कहां ड्रेन कर रही हैं, कैवर्नस साइनस में। उसके अलावा इस साइड व्यू में भी हम देख सकते हैं, देखो ये देखो तीन इंफीरियर सेरिब्रल वेन हो गई, एक बीच में फ्रंटल ट्रंक ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी, फ्रंटल ट्रंक ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ये वाला भी रहता है, ये वाला मैं बताऊंगा आपको। स्फिनोपेराइटल साइनस देखो ये भी ड्रेन कर रहा है इसके अंदर, ऊपर से सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन ये आ रही, ड्रेन करेगी कैवर्नस साइनस में। तो इस तरह से सारी चीजें ड्रेन करेंगी कैवर्नस साइनस के अंदर। अब चलते हैं ड्रेनिंग चैनल्स के ऊपर, ड्रेनिंग चैनल्स क्या है। अभी हमने क्या पढ़ा था, कौन कौन सी चीजें कैवर्नस साइनस के अंदर ड्रेन कर रही है। अब है कि कैवर्नस साइनस भी तो कहीं ना कहीं ड्रेन करेगा, ब्लड अभी हर्ट में थोड़ी पहुंचा है, तो कैवर्नस साइनस कहां कहां ड्रेन करेगा अब इस ब्लड को, उनकी बात करते हैं। तो उसको हम याद करेंगे, इसके लिए भी ट्रिक है, उसको हम याद करेंगे TIPF, टिप एफ से हम याद करेंगे, TIPF से आप याद कर सकते हो ड्रेनिंग चैनल्स को। सबसे पहले टी मतलब किस में ड्रेन करेगा, कैवर्नस साइनस, यहां पे मैं लिख देता हूं, कैवर्नस साइनस विल ड्रेन, ठीक है, कैवर्नस साइनस विल ड्रेन इनटू ट्रांसवर्स साइनस, ट्रांसवर्स साइनस में ड्रेन करेगा किसके थ्रू,
सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, तो पहले टी से बन गया ट्रांसवर्स साइनस, आई से बनेगा इंटरनल जुगुलर वेन, तो किस में ड्रेन करता है, ट्रांसवर्स साइनस में करता है, दूसरा इंटरनल जुगुलर वेन में करता है, तीसरा पी से क्या बन गया टेरिगोइड प्लेक्सस और वेन्स में करता है, और एफ से बन गया फेशियल वेन में। तो इन चार जगह पे जो है कैवर्नस साइनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन कर देता है, मतलब अपने ब्लड को इनके अंदर डाल देता है। तो अब इनको एक एक करके देखते हैं। ये वाला देखो, इस डायग्राम से आपको समझ आएगा, ये सुपीरियर व्यू वाला डायग्राम है। तो पहला मैंने क्या बोला, इनटू द ट्रांसवर्स साइनस थ्रू सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, तो ट्रांसवर्स साइनस में तो ड्रेन कर रहा है, लेकिन किसकी हेल्प से, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। ये देखो ये कैवर्नस साइनस है, इसके साथ ये क्या जुड़ा हुआ है, दिस इज द, ये देखो इस तरफ भी है, दिस इज द सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, ये सुपीरियर पेट्रोसल साइनस है और ये आगे जाके कंटिन्यू हो रहा है। ये देखो ट्रांसवर्स साइनस, तो सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, ये देखो ये हमारा कैवर्नस साइनस है, इसने ड्रेन किया सुपीरियर पेट्रोसल साइनस के थ्रू किसके अंदर, ट्रांसवर्स साइनस के अंदर। समझ में आ गया ना, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस आगे जाके क्या बना रहा है, ट्रांसवर्स साइनस, तो सुपीरियर पेट्रोसल साइनस ने इसके अंदर ड्रेन कर दिया। सेकंड है इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन कर रहा है, किसके थ्रू, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस के थ्रू, और ये दूसरा वाला देखो प्लेक्सस अराउंड आईसी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड एक प्लेक्सस होता है वो, ठीक है उसको छोड़ो, मेन क्या है इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करेगा, किसके थ्रू, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। तो इंटरनल जुगुलर वेन देखो ये रही, ये छोटी सी इंटरनल जुगुलर वेन आपको दिख रही है, इसके अंदर ड्रेन करता है किसके थ्रू, ये देखो, देखो इस तरफ नाम मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, तो इंफीरियर पेट्रोसल साइनस दोनों तरफ प्रेजेंट है, इसके थ्रू कैवर्नस साइनस ड्रेन करता है किसके अंदर, हमारे इंटरनल जुगुलर वेन में। तो दूसरा भी हो गया। थर्ड है इनटू द टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स, टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स में ड्रेन करेगा एमिश्री वेन्स के थ्रू, ये हमको दिखेगा साइड व्यू से। ये जो नीचे आपको छोटा डब्बा दिख रहा है, दिस इज द टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस, और ये जो छोटी छोटी तीन दिख रही है ये है हमारी एमिश्री वेन्स। तो जो कैवर्नस साइनस है वो एमिश्री वेन्स के थ्रू ड्रेन करता है टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स के अंदर, ठीक है। लास्ट बच गया फेशियल वेन, फेशियल वेन में ड्रेन करता है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू। ये देखो ये मैंने बताई थी ना, ये लंबी सी, ये सुपीरियर सुप्रा ट्रोक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल मिलकर क्या बना रहे थे, ये हमारी फेशियल वेन। तो कैवर्नस साइनस इस फेशियल वेन में ड्रेन करता है, देखो ये फेशियल वेन है, एरो दिखा रखी है ना मैंने, ये फेशियल वेन है लंबी, ये कैवर्नस साइनस है, ये इस फेशियल वेन में ड्रेन कर रहा है किसके थ्रू, इसके थ्रू, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू। तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू ड्रेन करता है फेशियल वेन में भी। देखो इनमें ब्लड है, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा ही चलेगा एक ही डायरेक्शन में, होता क्या है जितनी भी ये कम्युनिकेशन मैंने बताई है ना अब तक, ये वाली या जो इसमें ड्रेन कर रही थी कैवर्नस में, तो ये कम्युनिकेशन वोल्वलेस होते हैं, कोई वोल्व नहीं है, तो ब्लड जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इनके अंदर भी आ सकता है फिर इनसे बाहर भी जा सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा फ्लो के ऊपर, ठीक है। अब लास्ट जो बच गया इसके अंदर वो है राइट और लेफ्ट कैवर्नस साइनसिस जो है वो एक दूसरे से भी कम्युनिकेट करते हैं। तो ये देखो ये मैंने आपको शुरू में बताया था, ये देखो ये वाला हो गया हमारा लेफ्ट, ये वाला हो गया हमारा राइट, दोनों कैवर्नस साइनस आपस में जुड़े हुए हैं, आगे भी एक ब्लू लाइन दिख रही होगी, पीछे भी ब्लू लाइन, आगे वाली ब्लू लाइन क्या है, एंटीरियर इंटर कैवर्नस साइनस, और पीछे वाला पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस, तो ये दोनों मिलके दोनों को कम्युनिकेट कराते हैं, ठीक है, दोनों कैवर्नस साइनस को। तो राइट एंड लेफ्ट कैवर्नस साइनस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनसेस, और एक और चीज की मदद से करता है वो है बेसिलर प्लेक्सस ऑफ वेन्स, ये बेसिलर प्लेक्सस ऑफ वेन है, इसके थ्रू भी दोनों कैवर्नस साइनस जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, TIPF से हमने याद किया, ट्रांसवर्स साइनस में ड्रेन करेगा, आई से इंटरनल जुगुलर वेन में, पी से टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स में, और एफ से फेशियल वेन में। ट्रांसवर्स साइनस के लिए ये आपको ये वाला डायग्राम याद होना चाहिए, सुपीरियर पेट्रोसल आगे जाके ट्रांसवर्स में ड्रेन करता है, इन्फीरियर पेट्रोसल आगे जाके इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करता है, इंटरकैवर्नस एमिश्री वेन के थ्रू टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन में करता है, और फेशियल वेन में करता है किसके थ्रू, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू, और दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरकैवर्नस साइनसिस के थ्रू। अब लास्ट जो मैंने छोड़ा था वो है रिलेशंस, देखो रिलेशन की बात मैं करता हूँ, ये मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो रिलेशन के लिए हम एक मैंने एक डब्बा बना रखा है, उससे याद करेंगे इसको, एक सेकंड, इससे याद करेंगे। देखो ये मैंने एक रिलेशन के लिए सिंपल वे में थोड़ा बनाने की कोशिश की थी, ये देखो ये दो कैवर्नस साइनस है, बीच में स्फिनोइड बोन है, ये क्या है, दो स्फिनोइडल एयर साइनस, ये आपको उस डायग्राम में भी दिखाई देंगे। देखो ये जो दो छोटे छोटे एयर साइनस थे, ये स्फिनोइडल एयर साइनस है, ठीक है, जो कि एक पैरानेजल साइनस है। तो स्फिनोइडल एयर साइनस के लेटरली प्रेजेंट हमारा कैवर्नस साइनस,
और क्या है, हाइपोफाइसिस सेरेब्री मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये तो हो गया हमारा कोरोनल सेक्शन, कोरोनल सेक्शन है, लेकिन मैं इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल मीडियल बताऊंगा आपको, ठीक है, सुपीरियर नहीं बता रहा। एंटीरियर रिलेशन में बताऊं तो आगे की तरफ होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर। देखो मैंने आपको देखो शुरू में बताई थी ना कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसके लेटरल वॉल में लाए कर रहे हैं, देखो ये सारी मैंने चार नाव बताई थी, 3, 4, 5 का 1, 5 का 2, मैंने बोला ये सब एंटीरियरली जाके एग्जिट करती हैं साइनस को सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर के थ्रू पास करके, तो आगे की तरफ जाके एंड कर रही है, तो आगे क्या होगा, सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर आगे की तरफ ही होगा ना, दूसरा आगे ऑर्बिट होता है, तो एपेक्स ऑफ ऑर्बिट भी एंटीरियर रिलेशन में आता है। पीछे की तरफ आओ, पीछे क्या है, पीछे होता है टेम्पोरल बोन का पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन की एपेक्स आती है पोस्टीरियर रिलेशन में, और आता है क्रस सेरिब्री ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है, तो ये दो चीज होगी पोस्टीरियर रिलेशन में। लेटरली चलें, दोनों तरफ ब्रेन है, ब्रेन की कौन सी लोब है, टेम्पोरल लोब, नीचे की तरफ है थोड़ा, तो टेम्पोरल लोब मिलेगी हमें लेटरल, इसके लेटरल जो रिलेशन है उसमें। और अगर मैं बताऊं मीडियल रिलेशन, तो ये हमारा जो है कैवर्नस साइनस है, इसके मीडियली देखेंगे तो क्या है, हाइपोफाइसिस सेरेब्री मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, और क्या है, स्फिनोइडल एयर साइनसिस। तो एंटीरियर में क्या है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और एपेक्स ऑफ ऑर्बिट, पोस्टीरियर में है एपेक्स ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन एंड क्रस सेरेब्री ऑफ मिड ब्रेन, लेटरल में टेम्पोरल लोब है, और मीडियल में पिट्यूटरी ग्लैंड और स्फिनोइडल एयर साइनस है। तो रिलेशन मैंने देखो इंटीरियर रिलेशन नहीं, इंटीरियर नहीं बताया अभी, मीडियल आपको बता दिया, लेटरल आपको बता दिया, लेटरल में एक और चीज है कि और लेटरली जाते तो मैंडिबुलर नर्व, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, एंटीरियरली बता दी दो चीजें, पोस्टीरियरली बता दी दो चीजें। अब चलते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर। आपको पता होगा कि स्फिनोइड बोन जो है उसका जो सेला टर्सी का पार्ट होता है उसके ऊपर जो है दोनों तरफ से जो ऑप्टिक नर्व आ रही होती है ना, वो उनके फाइबर्स क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने के बाद ऑप्टिक ट्रैक्ट बनाते हैं, इस क्रॉसिंग को क्या बोलते हैं, इस क्रॉसिंग को बोलते हैं ऑप्टिक काइज़मा। ये मैंने आपको विजुअल पाथवे में बताया था पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो वीडियो जाके अगर नहीं देखा हो तो ऑप्टिक काइज़मा बनाते हैं, तो ये ऑप्टिक काइज़मा कैवर्नस साइनस के सुपीरियरली प्रेजेंट होता है, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, ऑप्टिक ट्रैक्ट होगा, ऑप्टिक काइज़मा होगा, उसके अलावा ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट भी इसके ऊपर होता है, तो तीन तो ओ हो गए, तो ट्रिपल ओ, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक काइज़मा, ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट। उसके अलावा ये देखो इसका जो डायग्राम मैंने दिखाया था, इसमें अगर आप देखोगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इसके अंदर भी थी और उसके बाद ऊपर जाके ऊपर की तरफ चली गई, सुपीरियर रिलेशन में भी आती है, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी इसके सुपीरियर रिलेशन में आती है, और एक आता है एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस जो न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ोगे, अभी इसको छोड़ देना, मेन याद रखना ट्रिपल ओ और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इसके सुपीरियर रिलेशन में है। अब इसके नीचे क्या लाया करता है, तो नीचे आता है फोरामेन लेसेरम, फोरामेन लेसेरम भी एक ओपनिंग है बेस ऑफ स्कल में जिसके थ्रू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटर करती है और अपने मतलब जो स्कल के अंदर आती है, ठीक है, फोरामेन लेसेरम के थ्रू। तो फोरामेन लेसेरम इन्फीरियरली होता है, और नीचे क्या प्रेजेंट होती है, स्फिनोइड बोन, स्फिनोइड बोन भी इन्फीरियर रिलेशन में ही आएगी। स्फिनोइड बोन का कौन सा पार्ट, जंक्शन ऑफ बॉडी एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड। तो ये हो गए भाई हमारे रिलेशन, कुछ भी चीज समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।